नूह जिले के उपायुक्त अजय कुमार ने खानपुर घाटी, शिकरावा सहित कई गांवों का दौरा कर मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने में लगी टीमों को प्रोत्साहित किया। उपायुक्त ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। कोई मेरा यही संदेश है कि अपने टीकाकरण अपने बच्चों का जरूर करवाएं ताकि जो ये खतरनाक बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके और उनकी ज़िंदगी में किस तरह की कोई दिक्कत ना आए वो हम अभी से इंश्योर कर सकें, इसमें हमारा साथ दें। लेट तक अपने जो सेशंस हैं उनको रखें, 5 बजे तक 6 बजे तक जरूरत पड़ती है उस हिसाब से करें। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जिले में 23,900 बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा ताकि बच्चों को सभी प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। इस एक सप्ताह के अंदर जो हमारे बच्चे 2 साल से छोटे जिनको कि किसी वजह से बीच में कोई टीका मिस हो गया, 9 महीने वाला नहीं लगा, 2.5 महीने वाला नहीं लगा, 1.5 साल वाला नहीं लगा, उनकी लिस्ट हमने बना रखी, उनको कवर करना है जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं। और ये टारगेट हमारा 23,900 के आसपास है और डेली टारगेट का हम अबाउ 70% कवरेज कर रहे हैं और जरूर पीड़ित इस वीक को हम 2-3 दिन बढ़ा भी देंगे जिससे 100% सब बच्चों को हम कवर कर सकें। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मिशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों का टीकाकरण हो रहा है जी, गर्भवतियों के लिए जी और छोटे बच्चों के लिए 1 साल से 2 साल तक के 0 बच्चे। और इसमें जो भी हैं जो 5 बीमारियों का टीका लगता है, यहाँ कैंप लग रहा है जो बहुत अच्छा है, ये टीकाकरण के लिए लगाया गया है। ये जो बीमारी होती है हमारे यहाँ जो मोती जीरा खसरा वगैरह ये जो भी बीमारी है उनके बचाने के लिए लगाया जाता है।